जय महाकाली, जय माँ काम व्याख्या। आप लोग कैसे मित्रों, आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वशीकरण लेके आई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भोजपत्र पर नाम लिखकर पुतले से और लौंग से सिंदूर डालकर वशीकरण। पति हो या प्रेमी हो या पत्नी हो या प्रेमिका हो, अगर आप सच्चे दिल से मन से प्यार करते हैं, आपका प्यार कहीं रूठ कर चला गया, आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा, या आपके पति आपका मान सम्मान नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पहले आपसे आकर्षित थे, आपसे बातचीत करते थे, चाहे वो प्रेमी हो या पति हो, और एकदम ही आप दोनों के बीच में कोई ऐसा आ गया या ऐसा कुछ हो गया जो कि इतनी गलत फहमियाँ होगी कि एक दूसरे को आप देखना नहीं चाहते, या एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, या एक व्यक्ति बात नहीं करना चाहता जो प्रेमी है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने पति से परेशान हैं कि आपका कहना सुनना वो क्यों नहीं मान रहे, या आपकी बात को क्यों नहीं समझ रहे, आपका मान सम्मान क्यों नहीं कर रहे, या आपसे इज्जत से क्यों नहीं बात कर रहे जैसा पहले था, जैसा आप दोनों में पहले ही प्यार था, आप वैसे ही फिर से इस वशीकरण को करके अपने दोनों में प्यार ला सकते हैं। किसी पर भी वशीकरण करके अपने प्रेमी को या प्रेमिका को, पति को या पत्नी को अपने रिश्ते में फिर से वापस पा सकते हैं। तो इस वशीकरण को करने के लिए बहुत ही इजी तरीके से आप घर बैठे बिठाई कर सकते हैं अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए। तो करना क्या है, एक भोज पत्र लाना है, भोज पत्र के ऊपर नाम लिखना है, और एक आपने पुतला लेना है, आटे का बना ले या तो कपड़े का बना ले या तो मार्केट से भी मिल जाता है, उसके ऊपर अपने प्रेमी का, जैसे भोजपत्र के ऊपर नाम लिखा या प्रेमी अपना नाम लिखा, प्रेमी का या प्रेमिका का नाम लिखा, उसके ऊपर रख दें, दो फूल वाली लौंग रख दें, और उसके बाद आपने सिंदूर चढ़ा दें। कब और किस दिन करना है, किसी भी शनिवार या मंगलवार की या अमावस्या की रात को आपने करना है, और आप ये सिंदूर चढ़ाते हुए अपने प्रेमी का तीन वरी नाम लेंगे। उसके बाद आपने मंत्र का उच्चारण क्या करना है, मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र आपने बोलना है क्री क्री क्री, एक शब्द का मंत्र है, 51 बारी मंत्र का उच्चारण करना है, क्री 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 क्री। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हुए ये सारी चीज़ें अभिमंत्रित कर लेना है। करने के बाद आपने इसको काले कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद रात्रि को जैसे आपने ये 12 बजे किया, उसी टाइम में आप किसी चौराहे पर ले जाके इस काले रंग की पोटली को, इस सारी चीज़ों को बंधा हुआ वहाँ पर रख दें, और रख के वहाँ पे पलट के बिल्कुल भी ना देखें, अपने घर आ जाएं, हाथ मुंह धो के आप बैठे। जैसे आप घर पे आएंगे 24 घंटे के अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि आपके प्रेमी, आपके पति, आपके प्रेमिका आपके वश में हो गई, आपका कहना सुनना मानने लगी, आपका ब्लैकलिस्ट नंबर खुल देगी, आपसे एकदम ही इतना आकर्षित हो जाएगा आपका प्रेमी कि आपका ही कहना मानेगा, किसी और की नहीं मानेगा, और अगर आपसे शादी नहीं कर रहा था, शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से करके अपने प्रेमी और अपने पति को, प्यार को पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वशीकरण कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय महाकाली ज़रूर लिखना, और अगर इसको करते हुए कोई दिक्कत परेशानी आए तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए पे गुरु माँ को संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान गुरु माँ जी के पास ज़रूर मिलेगा। आगे फिर मिलती हूँ, और अगर आपके शरीर पे कोई बाधा है, या आपकी दुकान को बांध दिया, मकान को बांध दिया, या काली शक्तियों का वास है, या व्यापार बांध दिया, या आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, या आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया है, या आपके ऊपर भी तंत्र क्रिया करके कोई काली शक्ति का वास रख दिया, या कुछ भी ऐसा है जो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि किससे कहें, किसको बताएं, तो आप जब भी गुरु माँ को संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान गुरु माँ जी के पास ज़रूर मिलेगा। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ कामदेवी।